सेशनों से पहले हमने अपनी यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4। एंड यूनिट नंबर 3 का भी आपका कोई क्विज नहीं हुआ है, लाइक आपका एमसीक्यू टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो कब दोगे आप? कल ले लो। मैम प्रैक्टिस टेस्ट यस थोड़े टाइम बाद ले लेना, अभी कल तो यूनिट से तैयार होगा नहीं इतनी जल्दी। ओके, सो नेक्स्ट वीक ले लो, नेक्स्ट यस मैम। वीक ऑन मंडे। बताओ, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे ले लो। यस और नो बताओ, मंडे। यस बिस्मन, यस मैम ठीक है, मंडे को कर लो जैसे सब बच्चों को ठीक लगे। कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है ना। मैम वो ग्रुप पे पूछ रहे थे एक दूसरे से। कोई बात नहीं, मैं मंडे टेस्ट लेती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कुछ इश्यू आपको आ रहा है किसी भी टॉपिक में, तो आप मंडे में से पूछ लेना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट ले लूंगी, राइट? ठीक है मैम। ओके, तो अभी हम यूनिट मैम 4 स्टार्ट इसके करते हैं। मार्क्स थोड़ी लगने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है ना ये। प्रैक्टिस टेस्ट है, बट आपका ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट मुझे पता चलता है ना क्लास में कौन बच्चा रेगुलर है, किसको क्या, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो हम उसको जी मैम मार्क्स के लिए भी कंसिडर करते हैं। जो आपके फाइनल में इवेल्युएशन करूंगी आपका आउट ऑफ 25, तो वो भी उसमें भी वो मैटर करता है। ओके मैम। थैंक यू मैम। देखो, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन। यूनिट 3 में आपने पढ़ा था FSM, दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन, एंड दिस इज योर एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन। दोनों ही मशीन सिक्वेंशियल सर्किट होती हैं, आपकी दोनों का ही काम सेम है। डिजाइनिंग में हम इन दोनों मशीन्स का यूज करते हैं, बट जो आपका FSM और ASM है उसमें आपका एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि हम जब FSM यूज करते हैं, तो अगर हमारे पास जो है आपका, इसमें लिखा नहीं हुआ क्या, एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं आपका दूसरी स्लाइड ओपन करती हूँ। तो जो आपका FSM है, अगर हमारे पास जो है, आपके पास, आप क्या यूज करते थे, स्टेट डायग्राम यूज करते थे FSM में, राइट? तो अगर हमारे पास जो है लार्ज मशीन है, लार्ज स्टेट मशीन है, बहुत सारी उसमें स्टेट्स हैं, तो हम उस केस के अंदर स्टेट डायग्राम्स का यूज नहीं करते हैं, हम उस केस के अंदर ASM चार्ट्स का यूज करते हैं। ASM चार्ट में आपका एक एल्गोरिथमिक टाइप से आपकी स्टेट मशीन होती है, जिसमें हम आपके, जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते थे, ऐसे ही हम चार्ट बनाते हैं और उसमें आपके जो स्टेट्स के बिहेवियर को जो है स्टडी करते हैं, राइट? तो हर एक मशीन में आपको पता है कि आपका जो भी मशीन्स होती हैं आपके डिजाइनिंग की, उसमें दो तरह के सब सिस्टम्स होते हैं। एक सब सिस्टम होता है आपका कंट्रोल सब सिस्टम, और एक होता है आपका डेटा सब सिस्टम। तो डेटा सब सिस्टम में क्या होता है, आपकी सारी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, राइट? डेटा, जो भी डेटा के ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है आपके डेटा सब सिस्टम में। तो यानी कि आपने डेटा इनपुट किया और उसका प्रोसेस होके आउटपुट आया, लेकिन उस प्रोसेस का फ्लो क्या है, वो प्रोसेस आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, कौन कौन से जो बॉक्सेस हैं उसमें आपके पार्टिसिपेट करेंगे, किस किस को क्या चीज, क्या जो है फंक्शन परफॉर्म करना है, वो कौन बताएगा, वो आपके कंट्रोल सब सिस्टम बताएंगे, राइट? तो कंट्रोल सब सिस्टम आपका क्या करता है, कमांड्स रिलीज करता है कि आपको इस फ्लो में, इस डायरेक्शन में आपको काम करना है, राइट? और ये भी किस बेसिस पे काम करता है, इसको हम कुछ एक्सटर्नल कमांड देते हैं कि ये कमांड जो है हमें डेटा के ऊपर
परफॉर्म करनी है, राइट। और जो डेटा का आउटपुट होता है वो भी आपका एज ए स्टेटस जो है आपके कंट्रोल सब सिस्टम में फीडबैक होता है, राइट। सो एवरी डिजिटल सिस्टम हैज कैन बी पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स, बस फर्स्ट इज योर डेटा पाथ एंड सेकंड इज योर कंट्रोल सर्किट। जो डेटा पाथ है वो आपके फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक स्टोरिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ डेटा वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, राइट। एंड वाइल कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सर्किट जो है दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ योर डिजिटल सर्किट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ लार्ज स्टेट मशीन्स बाय यूजिंग स्टेट डायग्राम्स और बाय यूजिंग FSM। सो टू ओवरकम दैट डिफिकल्टीज हम क्या यूज करते हैं, ASM चार्ट्स का यूज करते हैं। ASM चार्ट्स आपने, आई एम श्योर आपने फ्लो चार्ट्स यूज किए होंगे, आपके FOCP में भी हैं और अदर कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे। तो ASM चार्ट्स जो है वो वेरी मच सिमिलर टू योर ASM चार्ट्स होते हैं, वेरी सिमिलर टू योर फ्लो चार्ट्स होते हैं। देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जनरली आपसे पेपर में भी पूछा जाता है कि ASM चार्ट और फ्लो चार्ट्स में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ASM चार्ट आपका क्या करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपके सीक्वेंस को तो डिस्क्राइब करते ही करते हैं, साथ में आपके टाइमिंग रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब करता है। बट फ्लो चार्ट आपने देखा होगा कि सिर्फ उसमें एक प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है, नेक्स्ट ये स्टेप फॉलो करना है, उससे नेक्स्ट ये स्टेप फॉलो करना है, उसमें टाइमिंग रिलेशनशिप का कोई कंसर्न नहीं होता है। जब आप ASM चार्ट डिजाइन करोगे तो यू विल सी कि उसमें आप कंडीशनल बॉक्सेस का यूज करोगे, बट इन फ्लो चार्ट वी नेवर यूज कंडीशनल बॉक्सेस। ASM चार्ट के अंदर आपका अगर एक ASM ब्लॉक है, एक ASM ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। ASM ब्लॉक जो होता है आपका, उसमें जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं वो सारे आपके साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, बट फ्लो चार्ट में कोई भी आपका ऐसा ब्लॉक नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आपका जो ऑपरेशन है वो आपके कैरी होते हैं, राइट। फ्रेंड्स ये डिफरेंस आपको क्लियर है, ब्लॉक में आपका क्या होता है, एक ASM में जब आप ASM चार्ट बनाते हो तो उसमें आपका एक स्टार्ट बॉक्स होता है, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अगर वो स्टार्ट बॉक्स आपका दोबारा से आ रहा है, इट मींस कि वो सेकंड ब्लॉक है आपका। तो एक जो पूरा ब्लॉक है आपका ASM चार्ट के अंदर, वो उसमें जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी स्टेट चेंज हो रही है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, तो वो आपका सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। बट फ्लो चार्ट में तो आपका स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री ऐसे होता है ना, तो आपका स्टेप बाय स्टेप आपके ऑपरेशन कैरी होते हैं, ना कि आपके साइमल्टेनियसली कैरी होते हैं, राइट। अभी क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो देखो ASM चार्ट में आपके कुछ बॉक्सेस होते हैं जिसमें तीन जो बॉक्स हैं वो मेन होते हैं, स्टेट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स और कंडीशनल बॉक्स, राइट। तो इन बॉक्सेस की शेप होती है जो कि आपको सेम शेप ही यूज करनी है। स्टेट बॉक्स के लिए आप रेक्टेंगल शेप यूज करते हो, देखो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, यहाँ पर आपकी स्टेट का नेम होता है, जैसे कोई भी स्टेट आपकी होती है ना, S1, S2, S3, T1, T2, कुछ भी आपने स्टेट जो मान रखी है उसका नेम, और अगर उस स्टेट को कोई बाइनरी कोड आपने असाइन कर रखा है तो वो कोड आप यहाँ लिखोगे। ये क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट? स्टेट बॉक्स मीन्स जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा आपके सर्किट की। राइट, और ये आपका रजिस्टर ऑपरेशन, यानी कि रजिस्टर, सपोज मैंने R से रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया और मैं एरो करके उसमें जीरो लगा रही हूँ, इट मींस मैं रजिस्टर को रीस्टार्ट कर रही हूँ, देन आपके सर्किट को स्टार्ट कर रही हूँ, राइट। तो ये एक तरह से आपका स्टार्ट बॉक्स है जिसको हम स्टेट बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है और यहाँ से आपका सर्किट जो है वो स्टार्ट होता है।
डायग्राम जब हमने बनाया था तो उसमें इनपुट या तो जीरो होती है या वन होती है, तो जीरो होगा तो कौन सी स्टेट पे जाएगा, वन होगा तो कौन सी स्टेट पे जाएगा, तो वो हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, आपके कंडीशन बॉक्स से, राइट। देन वी हैव अ कंडीशनल बॉक्स, इन कंडीशनल बॉक्स दैट इज ओवल शेप, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ओवल शेप है, ये क्या होता है, ये हमेशा आपके डिसीजन बॉक्स के बाद हम यूज करते हैं कंडीशनल बॉक्स। और इस कंडीशनल बॉक्स के अंदर आपका क्या होता है कि सपोज आपका यहाँ से हमने स्टार्ट किया, T1 इज योर इनिशियल स्टेट और इसको हमने बाइनरी कोड असाइन किया 001, एंड देन आपका जो कंडीशन हमने लगाई है दैट इज अगर वन इनपुट होगी तो इस पाथ को फॉलो करेगा, जीरो इनपुट होगी तो सर्किट इस पाथ को फॉलो करेगा, वन होगी तो आपका यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि वन होगी तो आपका क्या होगा, आर जो है दैट इज रीसेट हो जाएगा, जीरो आ जाएगी रजिस्टर में वैल्यू, देन आपका फिर वो इस स्टेट पे जाएगा जहां पे एफ इज योर फ्लिप फ्लॉप और ई कोई वैल्यू है जो आपने फ्लिप फ्लॉप को असाइन किया, दैट इज सिंपली एग्जांपल, अभी आप क्वेश्चन से समझ जाओगे। अब देखो मैं आपको एएसएम ब्लॉक के बारे में बता रही थी अभी जब हमने डिफरेंस देखा था, तो एएसएम ब्लॉक क्या होता है, जैसे देखो ये आपका स्टार्ट बॉक्स है, ये कंडीशनल बॉक्स है, ये आपका डिसीजन ये आपका डिसीजन बॉक्स है, ये आपका कंडीशनल बॉक्स है, तो देखो यहाँ पर फिर से आपके स्टार्ट बॉक्स स्टार्ट हो गए हैं, तो मींस ये आपका एक पूरा एएसएम ब्लॉक है जिसके अंदर ये जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ये आपके साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे, दिस इज कॉल्ड योर वन एएसएम ब्लॉक। तो एक पूरे चार्ट में कितने भी आपके एएसएम ब्लॉक्स हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका सर्किट डिजाइन कैसा है। ये कुछ सिंपल नोटिफिकेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो आपके एएसएम चार्ट में, लाइक ए एरो बी अगर मैं कर रही हूँ इट मींस बी कोई आपका रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आप ए में डाल रहे हो, आर की तरफ एरो करके अगर मैं जीरो करती हूँ इट मींस मैं अपने रजिस्टर को क्लियर कर रही हूँ, फ्लिप फ्लॉप में अगर मैं वन डाल रही हूँ इट मींस मैं फ्लिप फ्लॉप को सेट कर रही हूँ, आप रीसेट भी कर सकते हो, ए के अंदर अगर मैं ए प्लस वन कर रही हूँ इट मींस मैं रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, ए में अगर मैं ए माइनस वन कर रही हूँ इट मींस मैं रजिस्टर को डिक्रीमेंट कर रही हूँ, और ए में अगर मैं ए प्लस बी कर रही हूँ इट मींस आई एम एडिंग द कंटेंट ऑफ ए एंड बी एंड रिजल्ट जो है वो आपका ए में जा रहा है। तो ये कुछ सिंपल नोटिफिकेशंस हैं, सिंबॉलिक नोटेशंस जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके एएसएम चार्ट बनाने में। अब देखो यहाँ पर देखो कंडीशन बॉक्स जो मैंने आपको अभी बताया, सपोज ये एक स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, इसे तो आप फैमिलियर हो, ये तो आपने बनाया हुआ है थर्ड यूनिट में, है ना, दिस इज योर एस नॉट स्टेट, दिस इज योर एस वन स्टेट, दिस इज योर एस टू स्टेट एंड दिस इज योर इनपुट अपॉन आउटपुट, राइट। सो दिस इज योर मिले मशीन बिकॉज आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ नहीं शो की हुई, बाहर शो की हुई है, राइट, ये क्लियर है। तो इसका एएसएम चार्ट हमने कैसे बनाया, देखो यहां पर आपका एस जीरो S1, S2, हमारे पास थ्री स्टेट हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेट बॉक्स हमने इनको लिख लिया S0, S1, S2, ये क्लियर है। जस्ट अ मिनट सुनिए, ओके स्टूडेंट्स देखो, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले स्टेट बॉक्स की हेल्प से ये तीनों के तीनों
जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे बना ली. दिस इज योर एस नॉट, एस वन और एस टू. यहां तक क्लियर है? अब हमने आगे क्या किया, देखो एस नॉट के पास दो ही इनपुट्स होंगे, या तो जीरो होगा या वन. तो हमने एस नॉट के पास यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगा दिया. डिसीजन बॉक्स क्या कर रहा है आपका, जीरो होगा तो कहाँ कौन सा पाथ फॉलो करना है, वन होगा तो कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो ये डिसीजन बॉक्स डिसाइड करता है. ठीक है, तो देखो एस नॉट जो है वो जीरो पे कहाँ जा रहा है, अपनी ही स्टेट पे जा रहा है. और इस टाइम पे आउटपुट क्या है, आउटपुट भी जीरो है. तो हमने इसको क्या किया, जीरो पे इसको इसी की स्टेट में भेज दिया और इस टाइम पे हमारा आउटपुट भी क्या है, जीरो है. पर हमें आउटपुट मेंशन नहीं करना होता. एस नॉट वन पे कहाँ जा रहा है, एस वन पे. लेकिन इस केस में आउटपुट क्या है, वन. तो अगर आपकी आउटपुट वन है और आपका जो सर्किट डायग्राम स्टेट डायग्राम है दैट इज मिले मशीन, तो आपको जब भी आउटपुट हाई होगी तो यू हैव टू यूज कंडीशन बॉक्स. तो देखो वन पे ये एस वन स्टेट में जा रहा था तो हमने यहाँ पे कंडीशन बॉक्स लगा रखा है ना बीच में, क्योंकि आपकी जब आउटपुट हाई होती है तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमेशा हाई होती है. राइट, तो हाई S1 के केस में जीरो पे कहां जा रहा है, आउटपुट आपका जब हाई होगा ना मिले मशीन के अंदर तो आपको कंडीशन बॉक्स यूज करना है बीच में. ठीक है, ये पॉइंट है. अब मुझे बताओ S1 जो है वो जीरो पे कहां जा रहा है, रिवर्स, अपनी ही स्टेट में जा रहा है ना. लेकिन इस टाइम पे आउटपुट क्या है, वन, हाई है. तो जब एस वन जो है जीरो पे अपनी ही स्टेट में जाएगा लेकिन आउटपुट उस टाइम पे हाई है, तो आपको यहाँ पे जेड यूज करना है, कंडीशन बॉक्स यूज करना है. कंडीशन बॉक्स ये शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर आपकी जो आउटपुट है वो क्या है, वन है, हाई है. अच्छा जीरो पे कहाँ जा रहा है, सॉरी वन पे, वन पे, S2 पे. और आउटपुट क्या है, जीरो. तो S1 जो है वो S2 पे जा रहा है, आउटपुट जीरो है, इसलिए हमने कोई भी कंडीशन बॉक्स का यूज नहीं किया, डायरेक्टली आपका S2 पे चला गया है. ऐसे ही जो S2 है वो आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है, S2 पे ही, S2 पे ही. और आउटपुट भी क्या है, जीरो. तो S2 जो है वो अपनी ही स्टेट में आ रहा है वापस और यहाँ पे आउटपुट क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्या है, जीरो. और वन पे कहाँ जा रहा है, जेड. वन पे एस नॉट स्टेट में जा रहा है, आउटपुट yes, क्या है, वन. तो आपने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन बॉक्स यूज किया है. और ये कहाँ जा रहा है आपका, वापस से एस नॉट में, यानी कि वापस से सर्किट आपका रीसेट स्टेट में चला गया, इनिशियल स्टेट में चला गया. मतलब अब आपका सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. ये पॉइंट क्लियर है इन केस ऑफ योर मिले मशीन. सिंपल था ये, बट अभी आगे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होंगे. देखो दिस इज द केस ऑफ मोरे मशीन. यहाँ पे आउटपुट कहाँ लिखी हुई है, अंदर लिखी हुई है ना, स्टेट के साथ. एबीसी स्टेट है इसमें, जैसे हम एस नॉट, एस वन, एस टू स्टेट मानते हैं, ऐसे इसमें एबीसी स्टेट मान रखी है. वेरिएबल तो कोई भी हो सकते हैं ना. तो देखो एक्स वाई इसमें इनपुट है और जेड आपके इसमें क्या है, आउटपुट. ठीक है, तो ये आपकी इनपुट्स हैं, आउटपुट जो है वो आपकी स्टेट के साथ दिखाई हुई है. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या है कि आपकी जो आउटपुट है ना, इनपुट है ना, वो टू है. तो उस केस में आप क्या करोगे, थ्री डिसीजन बॉक्सेस का यूज करोगे. दिख रहा है आपको, वन, टू और थ्री. ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर आपकी हर एक, देखो ये वाली जो स्टेट है ए स्टेट, इसमें से तीन एरो बाहर जा रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक इसका खुद के ऊपर. दिख रहा है आपको,
मीन्स ए की क्या है, ए की थ्री कंडीशंस हैं। देखो अगर आपके पास 2 बिट्स होती हैं किसी भी इनपुट्स में या आउटपुट में, तो उनके ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, 0 0 0 1 भी हो सकती है इनपुट, 1 0 भी हो सकती है और 1 1 भी हो सकती है। ये बताओ मुझे, हो सकती है ना चारों कंडीशन, कोई भी इनपुट आ सकती है हमारे पास तो कॉम्बिनेशन में, है ना। तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना है, 3 डिसीजन बॉक्स का यूज करना है। ये पॉइंट क्लियर है, हर एक स्टेट के साथ 3 डिसीजन बॉक्स यूज करोगे आप अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो। देखो यहां पर आपके डिसीजन बॉक्स हर एक स्टेट के साथ, ये एक स्टेट ये रही, एक ये रही और एक ये रही, हर एक स्टेट के साथ आपके 3 डिसीजन बॉक्स हमने लगाए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखो सिंपल है, इसमें भी आपका, इसमें आपका कोई भी देखो ये नहीं लगा रखा हमने कंडीशन बॉक्स, ये आपका मिले बॉक्स भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इस कंडीशन बॉक्स को हम सिर्फ मिले मशीन में यूज करते हैं, मोरे में नहीं करते हैं। देखो मोरे में आपका क्या है, ए जो है उसकी आउटपुट क्या है, हाई इनपुट है, 1 1 पे कहाँ जा रहा है मुझे बताओ। ए जो है 1 1 पे कहाँ जा रहा है, सी पे। देखो यानी कि ये वाली लाइन, वन और वन, क्या बोल रहे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने 3 ए स्टेट के आगे 3 डिसीजन बॉक्स बना लिए, ठीक है, उनको आप वैल्यू असाइन कर दो अपने आप से, 0 1, ठीक है, 0 और फिर से ये हो गया 1, ठीक है, यहां पर भी 0 1 0 1 और यहां पर भी 0 1 0 1, ठीक है, ये क्लियर है। और यहां पर बीच में कौन सी वैल्यू साइन करनी है, 1 0 1 0 और 1 0। इससे क्या होगा आपका कि इससे आपके ना ये चारों चारों पॉइंट्स, चारों जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। कैसे कवर अप होंगे देखो, यस मैम। ए जो है 1 1 पे सी पे जा रहा है, तो एक तो 1 ये हो गया जी और मैम। एक 1 हम ये लेंगे, ठीक है, तो 1 1 पे ये कहाँ जा रहा है, सी पर। ये क्लियर है, अच्छा 1 1 के बाद हम देखते हैं 0 0 पे कहाँ जा रहा है, खुद पे जा रहा है, तो 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, हाँ, तो ये आपका खुद की स्टेट पे ही जा रहा है, ठीक है। देन ये वाला कवर हो गया हमारा, ये वाला कवर हो गया। अब देखो ये वाला 1 0 और 0 1 और 1 0 पे सेम जा रहा है आपका, बी स्टेट में, है ना। तो हमने क्या किया, 1 0 1 और ये वाला 0 और 0 1, 0 और ये वाला 1, तो ये दोनों एक ही से साथ जा रहे हैं किस स्टेट में, बी स्टेट में। ये क्लियर है। देन आपका बी, देखो बी जो है वो 1 1 पे कहाँ जा रहा है, ए में। बी जो है वो 1 और 1 पे कहाँ जा रहा है, ए में। तो देखो ये एक ए पे जा रहा है, ये है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप ये स्टेट डायग्राम जो दे रखा है आपको, इसकी हेल्प से आप इसको मैच करोगे तो आपको सेम मिलेगा। ये जो स्टेट डायग्राम है इसको हमने एएसएम चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, समझ में आ गया।
अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, आपको स्टेट डायग्राम गिवन है, आपको उसे एएसएम चार्ट में बनाना है। किसके लिए? मोड 6 काउंटर के लिए। आप पहले तो आप मुझे ये बताओ, मोड 6 काउंटर कितनी स्टेट्स काउंट करेगा? टोटल 6, 5 तक है ना। तो देखो हमने सबसे पहले देखो स्टेट डायग्राम भी आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको सीक्वेंस डिटेक्टर जो है वो अच्छे से आना चाहिए। मैंने सीक्वेंस डिटेक्टर में आपको स्टेट डायग्राम बनाना सिखाया था ना यूनिट 3 में, तो वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। बट यहाँ पर सीक्वेंस डिटेक्टर नहीं है, यहाँ पर आपका सिंपल आपको स्टेट डायग्राम बनाना है मोड 6 काउंटर के लिए। तो मोड 6 काउंटर में आपकी 6 स्टेट्स होती हैं फ्रॉम 0 0 टू 5। तो ये 0 स्टेट हमने लिख ली, ये 0 0 1 लिख ली, ये 0 1 0 लिख ली, ये 0 1 1, ये 1 0 0, और ये आपकी हो गई 1 0 1, दैट इज 5। अभी क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप मोड 6 हो जाएगी, अदरवाइज आपकी आउटपुट क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो हर एक स्टेट में आपकी, जब आपको क्या होता काउंटर में, बेसिकली क्या होता है काउंटर में, हम आपके जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, है ना। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के को किस किस इनपुट से कनेक्ट करते हैं? 1 से कनेक्ट करते हैं, ताकि वो एवरी पल्स पे क्या करे, अपनी स्टेट को चेंज करे, टॉगल करे, है ना। तो आपकी जो आउट इनपुट्स हैं वो क्या रहेंगी? 1 रहेगी। लेकिन अगर आपके इनपुट हम 0 कर देंगे तो वो उसी स्टेट में स्टे करेगा, नेक्स्ट स्टेट चेंज नहीं होगी। यही होता था काउंटर में, जेके फ्लिप फ्लॉप में यही होता था ना, कि अगर हम इनपुट को 0 कर देंगे तो आपकी स्टेट ही चेंज नहीं होगी। अगर आप इनपुट को 1 पे रखोगे तभी आपकी अकॉर्डिंग टू द क्लॉक आपकी स्टेट चेंज होती रहेगी। यही कॉन्सेप्ट था। देखो तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, आपकी इनपुट जब 1 है तो नेक्स्ट स्टेट पे चेंज हो रहा है एवरी केस में, दिख रहा है आपको। लेकिन आउटपुट हर एक केस में 0 है, कब तक? जब तक कि आपका लास्ट काउंट नहीं आ जाता 5 वाला, तब आपकी आउटपुट हाई होगी। क्लियर है? तो यहां पर आपकी आउटपुट 1 हो गई, बिकॉज दिस इज मोड 6 काउंटर, राइट। और अगर आपकी इनपुट 0 आ रही है तो उस केस में आपका क्या हो रहा है? उसी स्टेट में, सेम स्टेट में है, ठीक है। तो आपको सिंपली अगर ये स्टेट डायग्राम आपने बना लिया तो आपको इसको एएसएम चार्ट में कन्वर्ट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताओ कि ये आपका जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज मिले और मोरे मशीन, मिले क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट शो किया हुआ है, स्टेट के साथ हमने शो नहीं किया हुआ आउटपुट्स को। तो इस केस में हमें क्या यूज करना है, कौन सा बॉक्स यूज करना है अगर मिले है तो? डिसीजन बॉक्स हर एक में करते हैं, कंडीशन बॉक्स यूज करना है ना। तो कंडीशन बॉक्स कब यूज करना बताया था मैंने? जब आउटपुट 1 हाई हो, ठीक है। तो यानी कि आउटपुट तो सिर्फ लास्ट केस में ही हाई है। सबसे पहले तो आप इसकी स्टेट काउंट कर लो, कितनी स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स 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 स्टेट्स हैं फ्रॉम S0 टू S5। तो हमने 6 स्टेट्स के लिए स्टेट बॉक्स बना लिया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ये क्लियर है? और इनके यहाँ पे आप चाहो, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया है आपने, तो यहाँ पे आपने स्टेट्स लिख दी कौन कौन सी हैं, 0 0 0 0 1, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ, बाइनरी कोड असाइन कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगा दिया। तो डिसीजन बॉक्स आपका देखो यहाँ पे हर एक के साथ बॉक्स साथ हमें डिसीजन बॉक्स लगा दिया, क्योंकि इनपुट या तो 0 होगी या 1 होगी। 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, जिम रहेगा, दिख रहा है आपको। और हर एक केस के अंदर आउटपुट क्या है? 0 है। कब तक? यहाँ लास्ट तक, लास्ट में आउटपुट हाई हो रही है। तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, एक कंडीशन बॉक्स यूज कर दिया, ये वाला जेड। ये थोड़ी शेप इसकी गलत बनी हुई है, ओवल शेप आएगा इस तरह से, ये शेप बनेगी कंडीशन बॉक्स की, ये वाली थोड़ी सी ओवल शेप होती है राइट से, ठीक है। तो वो आप डायग्राम में थोड़ा
फिगर की वजह से थोड़ा मिसमैच है, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो। तो देखो जस्ट लास्ट में हमने यहाँ पे कंडीशन बॉक्स यूज किया है 1, और इस टाइम पे आउटपुट हाई होते सर्किट क्या करेगा, वापस से रीसेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने इसका एएसएम चार्ट बना लिया। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चंस आपके इस तरह से आएंगे, आपको एक सीक्वेंस डिटेक्टर दे रखा है जिसमें आपको डिटेक्ट करना है सीक्वेंस 0101, और आपको इसमें ओवरलैपिंग क्या है अलाउ करनी है। मैंने आपको दो तरह के सीक्वेंस डिटेक्टर बताए थे, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है? तो आपको इसके अंदर क्या करना है, एएसएम चार्ट बनाना है, ठीक है? स्टेट डायग्राम इसमें ऑलरेडी गिवन है आपको, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगी खुद से बनाओगे स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम आपको ये गिवन है फॉर दिस सीक्वेंस डिटेक्टर 0101, ठीक है? और ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। तो आपको देखो 0101 कैसे इसमें डिटेक्ट हुआ है, पहले तो आप खुद से सर्किट बनाओ स्टेट डायग्राम, और उसको इससे मैच करो कि ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है आपका मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर इस डायग्राम को देख के आपको ये एएसएम चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ और मैच करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स बताओ आपको ये डायग्राम क्लियर है या नहीं? बनाओ, याद रखना कि ओवरलैपिंग अलाउड है।
स्टूडेंट्स, ये 0101 का जो ओवरलैपिंग का केस है, ये वाला भी और एक नॉन ओवरलैपिंग, दोनों के केस में ही आपको स्टेट डायग्राम बनाने हैं और ये आपका होमवर्क है, राइट? तो आपको ये जो है करना है। और मुझे एक और चीज बताओ कि इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? एफडीबी प्रोग्राम में गए हुए हैं आपकी क्लास के बच्चे? यस मैम। ओके, तो फिर वो बच्चे कैसे करेंगे? क्या मैं थोड़ी रिपीट थोड़ी ना कराऊंगी आपकी क्लासेस सारी? तुम बच्चों को तो रह जाएगा फिर। चलो ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स वगैरह भेजती हूँ। अगर बच्चों को बोल देना, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो जो भी टॉपिक वो बोलेंगे मैं उनको बता दूंगी, फिर रिपीट करा दूंगी, राइट? यस मैम। ओके मैम। बट ये आपका जो होमवर्क है, हम थोड़ा स्लोली स्लोली करते हैं सो दैट की ज्यादा ना रह जाए बच्चों का। 7th तक है ना आपकी एफडीपी प्रोग्राम? यस मैम। ओके, नो इशू, आपको मैं रिपीट करा दूंगी, कुछ भी इशू होगा। बट अगर आप लोग मुझे कहोगे तो ही मैं कोई टॉपिक रिपीट कराऊंगी, ऐसे अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यूनिट 4 से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे अपने आप। बच्चे पढ़ेंगे, अगर उन्हें डिफिकल्टी लग रही है तो वो मुझसे पूछेंगे, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, 0101 के दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, ओवरलैपिंग के केस में भी और नॉन ओवरलैपिंग के केस में भी, राइट? अटेंडेंस हो गई आप लोगों की? यस मैम। यस अंकुर, अटेंडेंस हो गई है? यस मैम। ओके, और आपकी कोई भी क्लास नहीं लगी है आज मेरी क्लास के अलावा? नो मैम। नो मैम। तो आगे भी नहीं लगेगी अभी जो मतलब no, ma'am. Going, ongoing class है, तो officially off की teachers नहीं off कर रखी हैं? Ma'am, teachers. तो CS की class तो हुई होगी ना आपके? No, ma'am. Circuits and system की class भी नहीं हुई? No, ma'am. Ma'am, आज no, ma'am. होती नहीं। अच्छा, आज होती नहीं है। Okay. ठीक है, no issue. आपकी कल मेरे ख्याल से 9 बजे क्लास है ना? तो हम यही करेंगे, सीक्वेंस डिटेक्टर का ही टॉपिक करेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, क्लास अगर अटेंडेंस हो गई आपकी तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, बाय।